हाई एवरी वन दिस इज यने आज हम फेरो आइलैंड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ कि एक साथ फोर्टीन हंड्रेड डोल्फिनस को मार दिया गया क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेडिशन है इसके बारे में हम बात करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टू क्या वी कैन मेक अज डिफ्रेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी डी एफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा uh, अब देखिए मैंने आपको बताया कि फेरो आइलैंड क्या डैनिश टेरिटरी है और यहां पे बाकी इन्वायरमेंटलिस्ट की तरफ से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले क्योंकि यहां पे 1400 हंड्रेड वाइट साइडेड डॉल्फिन्स थी उनको एक दिन में मार दिया गया जिसको सिंगल बिगेस्ट हंट आप कह सकते हैं इस नौ दिन प्लागों में अब यूजुअली देखिए इस तरह का सवाल आपको एथिक्स में आ सकता है एनिमल राइट्स पे क्योंकि एनिमल राइट्स पे हमेशा दो ग्रुप्स जो हैं वो बने रहते हैं एक जो बोलते हैं यस एनिमल के राइट्स होने चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं एनिमल के राइट्स नहीं होने चाहिए ठीक है तो ये डिबेट जो है वो चलती रहती है तो आप क्या साइड लेते हैं इसको कैसे किस ओपिनियन के साथ आप इसको लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि फेरो आइलैंड के लोग बोलते हैं कि हमारा ट्रेडिशन है हम फूड के तौर पे एनिमल्स को मारते हैं बट ऑल दो फोर्टीन हंड्रेड इज़ अ वेरी बिग नंबर अगर इस तरह का सवाल आता है आपको कि वी के नॉट यूज़ ट्रेडिशन एज एन एक्सक्यूज़ फॉर एनिमल क्रूएलिटी कॉमेंट तो आप उसमें क्या लिखेंगे ओके okay, तो खैर अभी हम इसको देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं अब पॉड होता है ग्रुप ऑफ वेल्स या ग्रुप ऑफ डोल्फिन वाइट स्वाइडेड डोल्फिन का एक ग्रुप था जिसमें बहुत सारे डोल्फिन थे अराउंड फोर्टीन हंड्रेड उनको डीप सी में थे वहाँ से भगा भगा के जेट के थ्रू उनको थोड़े कम गहरे पानी में ले जाया गया एटलांटिक टेरिटरी में नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी में और बोट्स और जेट बोट्स की मदद से और फिर वहाँ जाके कहाँ पे देखिए एस्टोरॉय में जहाँ पे उनको नाइव से चाकू से फिर मार दिया गया एक एक डॉल्फिन को मार दिया गया उनकी जो कैकैसेस थे पीछे जो डेड रिमेन्स थे उनको खींच के बीच के शोर पे लाया गया और फिर लोकल्स में बांट दिया गया कंजम्पशन के लिए तो ये चीज़ हुई है पिक्चर भी आप देख सकते हैं बीच पे लोग भी देख रहे थे किस तरह से इनको मारा जा रहा है और फिर खींच के यहाँ पे शोर पे लाया गया तो फेरो आइलैंड्स यहाँ पे हैं और एसचुराय की बात जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ आपसे अब ये इसका जो फुटेज है इस हंट का डॉल्फिन्स को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से नाइफ से इनको मारा एकदम वाटर्स भी रेड हो गए उनके ब्लड से और काफ़ी यू नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल बीच से ये नज़ारा जो है वो देख रहे थे नॉन एज ग्राइंड अब इसको ग्राइंड कहा जाता है ग्राइंड ड्राप इन फेरोइज़ इसका मतलब है कि ये सी एनिमल्स को हंट करना सी मैमल्स को हंट करना प्राइमरीली जो आपकी वेल्स हैं वहाँ पे ये ट्रेडिशन है दैट हैज़ बिन प्रैक्टिस्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मतलब कई सौ सालों से चलता आ रहा है रिमोट फेरो आइलैंड्स में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिशंस वर्सेस एनिमल राइट्स और एनिमल क्रोएलिटी आपको इस लेवल पे दिख रही है तो यहाँ पे आप ट्रेडिशन के फेवर में बोलेंगे या क्या बोलेंगे एथिक्स में आप इसको किस तरह से लिखेंगे ज़रूर इस पे अपना ओपिनियन बनाए बनाइएगा अब फेरोइस गवर्नमेंट कहती है कि 600 हंड्रेड पायलट वेल्स हर साल ऑन एन एवरेज ये पकड़ते हैं पायलट वेल्स बेसिकली लार्जेस्ट लार्जेस्ट तरह की एक तरह की डॉल्फिन होती है लेकिन कुछ रूल्स में गवर्नमेंट के रूल्स में इसको वेल की कैटेगरी में रखा गया है वाइट साइडेड डॉल्फिन जो हैं उनको भी पकड़ा जाता है मारा जाता है क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशन है जैसे 2020 में 35 मारा गया 2019 में 10 मारे गए राइट अब देखिए यहाँ पर अगर ट्रेडिशंस की बात भी गए बैलेंस स्टेटमेंट ये हो सकती है कि ठीक है आपका ट्रेडिशन है या कुछ भी है तो इसको रेगुलेट तो करना चाहिए ना क्योंकि इस पर अभी वहाँ पे कोई रेगुलेशन भी नहीं है सपोर्टर्स कहते हैं वेलिंग जो सपोर्ट करते हैं एनिमल हंटिंग को वो कहते हैं कि वेलिंग एक सस्टेनेबल वे है जिससे वो खाना इकट्ठा कर सकते हैं नेचर से और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फेरो आइलैंड के लोगों का ये मानना है एनिमल राइट एक्टिविस्ट बोलते हैं और इसके साथ बिल्कुल डिसअग्री करते हैं वो कहते हैं दिस इज़ क्रुआलिटी और टोटली अननेसेसरी है एनिमल्स को खाने के लिए मारना तो सी शेफेट के लगा से की तरफ से ये ट्वीट देखिए ऑन संडे नाइट सुपर पॉड ऑफ 1428 अटलांटिक वाइट साइडेड डॉल्फिन्स वर ड्रिवन फॉर मेनी आवर्स उनको काफी देर तक यू you नो know, चलाते गए अराउंड 45 किलोमीटर बाय स्पीड बोट्स जेट स्काई इनटू शैलो वाटर और फिर वहां पे उनको आ, मार दिया गया ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आप देखेंगे ये खबर जो है वो छपी अब करेंटली डॉल्फिन हंटिंग फेरो आइलैंड्स में लीगल है तो जैसे मैंने बताया वहाँ का ट्रेडिशन है तो इसको लीगल है दो तो इट डज रिक्वायर अ लाइसेंस लेकिन जो लोग इनको मारते हैं उनको लाइसेंस की जरूरत है परमिशन की ज़रूरत है लोकल अथॉरिटीज़ तो यहाँ पर अगर फोर्टीन हंड्रेड को मारा गया तो मतलब लाइसेंस्ड लोग थे और उन्होंने परमिशन ली हुई थी अब ये जो ग्राइंड इन सी मैमल्स को मारने का तरीका है संडे की मास कल, किलिंग की वजह से इसके प्रोपोनेंट्स अब सब थोड़े डरे भी हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर में डॉल्फ़िन्स को यहाँ पे मारा है और इन्वायरमेंटलिस्ट इसका वेट कर रहे हैं कि इस प्रैक्टिस को आउट लॉ किया जाए एटलीस्ट इसको वहाँ पर टाइटली रेगुलेट किया जाए इस प्रैक्टिस को ताकि एनिमल्स को नुकसान ना हो और दे माइट बी राइट राइट भी है क्योंकि इस इवेंट की वजह से एक मैसिव बैकलाश सोशल मीडिया पे भी देखने को मिली है जहाँ पे बायकॉट फेरो आइलैंड एक्सपोर्ट सचस सैलमन ये लोग बहुत बेचते हैं तो इसके ख़िलाफ़ बोला कि इनसे सारी चीज़ें बॉयकॉट बाए, करनी चाहिए कि देखो इन्होंने एनिमल क्रुअलिटी कितना ज़्यादा किया है बेस्ड फॉर अ बिग बैक्लैश अब सर्वे सजेस्ट करते हैं यहाँ पे सर्वे कहते हैं कि लोगों में पूछा गया कि क्या ये करना ठीक है या नहीं कुछ परसेंटेज एक सर्वे दिखाता है कि 50% परसेंट लोगों ने बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए 30% परसेंट ने हाँ बोला लेकिन एक और कंट्रास्ट में एक सर्वे है जो 80% परसेंट लोग बोलते हैं कि दे वॉन्ट टू किल पायलट वेल्स वो पायलट वेल्स को मारना चाहते हैं और पोल्स के स्नैपशॉट पब्लिक ओपिनियन के वहाँ पे लगाए गए देखे गए कि लोगों का क्या मानना है फिर भी इसको बहुत ज़्यादा ये जो फेरोइज़ हंट है इसको बहुत सालों से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है और इस हंट की वाइडर अटेंशन टाइम टू टाइम अगर आप देखेंगे नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री बी एस सी पायरेसी ओके हंट इज ब्रॉट टू वाइडर अटेंशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एज इट वॉज बाय द पॉपुलर सी पायरेसी डॉक्यूमेंट्री और नेटफ्लिक्स अर्लियर दिस ईयर तो नेटफ्लिक्स पे एक सी पायरेसी भी आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड क्योंकि देखिए कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं उससे आपको एग्जाम में लिखने में भी मदद मिलती है और इससे पहले भी डॉल्फिन्स को लेकर इन्वायरमेंटलिस्ट ने कंसर्न दिखाया था जैसे फोर्टी डॉल्फिन्स मर गई थी मॉरिशियस ऑयल स्पिल की वजह से तब इन्वायरमेंटलिस्ट ने डिमांड की थी कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ऐसे कैसे हुआ क्या सच में ऑयल स्पिल की वजह से हुआ है या कोई और रीज़न है तो देखिए फोटी डॉल्फिन मिस्टीरियसली मर गई थी मॉरिशस के एक एरिया में जहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ था जापानीज़ बोट की वजह से तो यहाँ पे मदर डॉल्फिन उसकी बेबी इस तरह के इन्वायरमेंटलिस्ट को ऐसे सीन्स देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एनिमल क्वालिटी इसको कहते हैं इन्वामेंटलिस्ट ने तभी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बोला था और थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट भी किया था उन्होंने और रेजिग्नेशन डिमांड किए थे अब फेरो आइलैंड्स जिनकी हमने पहले बात की तो देखिए ये एक आर्किप है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 320 ट्वेंटी किलोमीटर्स है नॉर्थ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड और अगर आप इसको मैप में देखेंगे बिटवीन हाफ वे बिटवीन नॉर्वे एंड आइसलैंड यहाँ पे आप फेरो आइलैंड्स देख सकते हैं देखिए नॉर्वे है और ये आइसलैंड है तो इनके बीच के आधे रास्ते में आपको फेरो आइलैंड मैप में देखने को मिलेंगे जहाँ की हम बात कर रहे हैं आरकिबल को क्या होता है ग्रुप ऑफ आईलैंड है जो कि वाटर बॉडी में स्कैटर्ड होता है यूजली सी लेक और रिवर में भी हो सकता है बट यूजअली दे आर अंदर सी ग्रीनलैंड जैसे कि एक ऑटोनोमियस टेरिटरी है किंगडम ऑफ डेनमार्क की uh, ये सब पार्ट है नॉर्डिक कंट्रीज के यहाँ का क्लाइमेट विंडी वेट क्लाउडी कूल रहता है यहाँ की जोग्राफी के बारे में बात करें व्हाइट साइडेड डॉल्फिन की बात करें साइंटिफिक नेम है लेगे नॉरेंकस एक्यूटस और ये अटलांटिक वाइट साइडेड डॉल्फिन कलर डॉल्फिन से अलग है और ये कूल टू टेम्परेट वाटर्स नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाई जाती है सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के बारे में एंडेमिक है यानी ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही पाई जाती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट्स हैं नॉर्विन सी नॉर्थ ईस्ट डेविस स्ट्रेट नॉर्थ कैरोलिना सेल्टिक सी जैसे मैप आप, में आपको दिखाती हूँ डेविस स्ट्रेट ये वाले एरियाज में आप देख सकते हैं यहीं पर यह सिर्फ पाई जाती है सर्वे ऑफ द टू स्टॉक्स ऑफ ऑफकोर्स वाशिंगटन ऑरिगन एंड कैलिफोर्निया 2008 थाउजेंड एट टू टू थाउजेंड फोर्टीन जो सर्वे किया गया इन एरियाज में तो इसका पॉपुलेशन पता चला अराउंड ट्वेंटी वन थाउजेंड डॉल्फिन वहाँ पे हैं कंजर्वेशन लीस्ट कंसर्न है साइट्स साइट अपू में इसको रेड लिस्ट में अगर आप देखेंगे प्रोटेक्शन दी गई है इंडिया में भी डॉल्फिन हैं बट दे आर डिफरेंट गैंगटिक डॉल्फिन है कंजर्वेशन स्टेटस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उसको दिया है प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी आपका चल रहा है इस इसपे मैंने डिटेल में अलग से भी वीडियोज जो है वो बनाई हैं आप उनको देख सकते हैं लेकिन हाँ इंडिया में डॉल्फिन के बारे में इंपॉर्टेंट है कि नेशनल एक्वाटिक एनिमल है टू में ड्यूरिंग फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी गैंगटेक डॉल्फिन को नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया गया था और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सेलिब्रेट करता है अक्टूबर अक्टूबर आने वाला है नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे दे। तो देखिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन पे अलग डिटेल में मैंने वीडियो बनाया ट्वेंटी फाइव मिनट्स का ये आप देख सकते हैं अब क्वेश्चन आपके लिए व्हाइट साइडेड डॉल्फिन साइंटिफिकली कॉल्ड एज लेगिनो एक्यूटस फाउंड इन द कूल टू टेम्परेट वाटर्स ऑफ नॉर्थ एटलांटिक ओशन दे आर फाउंड यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं सेंटेंस लेकिन बताइए इसमें कॉमेंट सेक्शन में कि सही आंसर क्या है बाकी टेलीग्राम पे पोल में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो सही आंसर आपको मालूम चल जाएगा बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं अप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच